हेलो फ्रेंड्स मैं हिमांशु था बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे जी हां दोस्तों हम लोग जीसी लियोंग की सीरीज चला रहे हैं और इस बैच का नाम है बुक सीरीज बैच ये बैच जो है ये बैच आपको अब एप्लीकेशन पे भी मिलेगा अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारे एप्लीकेशन पे पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे आप जाइए और यूपीएससी के सेक्शन में आपको बुक सीरीज बैच वहां नजर आएगा ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है

बता दे कि क्या होने वाला है आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपने थंबनेल में देखा भी होगा कार्स्ट टोपोग्राफी है ना आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म्स के बारे में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात किसके बारे में करने वाले हैं हमारे जो लाइमस्टोन है लाइमस्टोन एंड चॉक टोपोग्राफी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है आज हम लोग जो लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे वो हमारे कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा लाइमस्टोन से और चौक से बनने वाले लैंडफॉर्म्स है ना मतलब चुना पत्थर, चुना पत्थर से जो करते हैं आज का, सा हमारा जो है, सा है, का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं जब लाइमस्टोन की या चौक की तो बेसिकली हमारा लाइमस्टोन या चौक जो है ये किस टाइप की रॉक्स है

आपका ये सी है कोई दिस इज दी सी ये हमारा सी है ठीक है ये हमारी सी है अब सी में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शेल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं है ना जैसे कि कोरल्स हो गए कोरल्स हो गए हमारे या बहुत सारे शेल ऑर्गेनिजम जैसे कि लॉबस्टर, या जो भी क्रे फिश आपकी हैं है ना प्रॉन्स लॉबस्टर्स क्रैब है ना केकड़ा हो गया झींगा हो गया ये सब क्या है ये बेसिकली शेल है इनके और इनके शेल जो बने हुए हैं ये बेसिकली बने होते हैं कैल्शियम से ठीक है ये बने होते हैं किससे कैल्शियम से बने होते हैं इस प्रकार के जीव जो हैं इस प्रकार के जीव मतलब यहां पर बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें आपको आप कह सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे आपके शेल्स होंगे शेल्स शेल मतलब होता है कवच हिंदी वाले याद रखें आई एम रियली सॉरी हिंदी मतलब आप हिंदी में याद रखिएगा शेल मतलब होता है कवच ठीक है अब होता क्या है जो रिवर्स आती है रिवर्स ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है ये सेडिमेंट्स लेके आती है और इन सेडिमेंट्स को धीरे धीरे रिवर्स जाती है और डिपॉजिट करते चली जाती है और ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स ये शेल जो देख रहे हो ये पूरे सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं ये मतलब कि जो रिवर्स अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है वो यहां पर डिपॉजिट कर देती है ठीक है वो यहां पर डिपॉजिट कर देती है और डिपॉजिट करने के बाद डिपॉजिट करने के बाद यहां पर आप देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है सेडिमेंट्स आपके रहते हैं आ, सर नोट्स हिंदी माध्यम का क्रैश कोर्स लॉन्च करने की कृपा करें आ, नीट हिंदी माध्यम का नीट अभी यार ये मैं नीट तो नहीं पढ़ाता हूं मैं यूपीएससी पढ़ाता हूं तो नीट का मुझे आइडिया नहीं है ठीक है यहां पर आपको बता दें इस तरीके से आपके क्या इकट्ठे हो जाते हैं अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सेडिमेंट्स जो है धीरे धीरे प्रेशर बनाते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं प्रेशर बनाते हैं तो जो ऊपर वाली आपकी लेयर है जो ऊपर वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर में उसके नीचे वाली और लेयर में मतलब इन दोनों लेयर का प्रेशर और धीरे धीरे क्या होता है यहां पर आपके जो ये शेल थे ये शेल या जो कोरल थे ये रॉक्स में बदलने लगते हैं ये किस में बदलने लगते हैं रॉक्स में है ना तो ये रॉक्स में जब बदल जाते हैं रॉक्स में बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर आपका ज्यादा प्रेशर की वजह से तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है ये हम सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? तो यहां पर जहां पर एक्यूमलेशन होता है किसका कोरल और शेल शेल का है ना कोरल और शेल के एक्यूमोलेशन से आपकी जो रॉक्स बनती हैं वो क्या बनती हैं आपकी चौक और लाइमस्टोन जैसे आपकी रॉक्स बनती हैं अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में मैंने बताया इन दोनों में किस चीज की बहुत अधिकता है तो आप कहेंगे सर कैल्शियम की यहां पर आप देखेंगे तो क्या आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है कैल्शियम बहुत ज्यादा दिख रहा है है ना तो इन रॉक्स में कैल्शियम बहुत मिलेगा आपको अब अगर मैं बात करूं कि प्योर हमारा लाइमस्टोन क्या होता है अगर आपसे बोले कोई शुद्ध चूना पत्थर प्योर लाइमस्टोन अगर आपसे कोई कहे कि प्योर लाइमस्टोन क्या है डिफाइन करो यार प्योर लाइमस्टोन क्या है प्योर लाइमस्टोन होता क्या है तो आप बोलेंगे सर जो प्योर लाइमस्टोन होता है ये प्योर लाइमस्टोन बेसिकली क्या है हमारा ये हमारा कैल्साइट है इसको कैल्साइट बोलते हैं या इस प्योर लाइमस्टोन को हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं या इसे हम क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आपको ये प्योर लाइमस्टोन दिख रहा है ये प्योर लाइमस्टोन जिसे चूना पत्थर हम कहते हैं है ना तो ये बेसिकली आपका होता क्या है कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये ये बेसिकली क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका प्योरेस्ट फॉर्म जो है ये चौक है चौक में आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही है ठीक है तो अगर कोई बोले आपसे प्योर लाइमस्टोन का एग्जाम्पल बताओ तो आप सिंपल से कह दीजिएगा कि भाई प्योर लाइमस्टोन का एग्जाम्पल जो है वो चौक है वो क्या है वो हमारा चौक है ठीक अब एक चीज आप और सुनिएगा अगर इसी लाइमस्टोन में अगर इसी लाइमस्टोन में हम लोग क्या मिला दें अगर इसी लाइमस्टोन में हम लोग मैग्नीशियम मिला दें तो ये क्या बन जाता है ये रॉक्स बन जाती हैं आपकी डोलोमाइट रॉक्स बन जाती है ये कैसी रॉक्स बन जाती है ये डोलोमाइट रॉक्स कहलाती है ठीक है अब आप समझिएगा जो हमारा लाइमस्टोन है ना लाइमस्टोन अगर हम अपने लाइमस्टोन के बारे में बात करें तो लाइमस्टोन हमारा सॉल्युबल है लाइमस्टोन जो है जब ये पानी इस पे पड़ता है वाटर पड़ता है तो ये घुल जाता है ये वाटर के साथ क्या करता है वाटर के साथ एक सल्यूशन बना लेता है कैसा सल्यूशन बना लेता है ये बेसिकली सल्यूशन बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन बना लेता है ठीक है याद रखिएगा लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन बनाता है प्लस

वो आपके वीक हो जाएंगी रॉक्स वो आपकी क्या हो जाएंगे वीक और कोई अगर वीक हो जाती है रॉक्स अगर कोई वीक रॉक्स हो जाती है तो वो आसानी से क्या होगा आसानी से आपकी टूट जाएंगी आसानी से टूट जाएंगी ठीक है ये चीज आप समझिएगा दूसरी चीज आपको समझना है कि ऐसे रीजन मैं फिर से बता रहा हूं ऐसे रीजन जहां पर आपको लाइमस्टोन का डोमिनेंस मिले जहां पर आपको लाइमस्टोन का डोमिनेंस मिले मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर चूना पत्थर की बहुल्यता है ऐसे क्षेत्र जहां पर चूना पत्थर की बहुल्यता है उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं कास्ट क्षेत्र उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं कार्स्ट क्षेत्र ठीक है ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कार्स्ट प्लेन ठीक है कार्स टू प्लेन जो होते हैं कार्स रीजन जो होते हैं यहां पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप होते हैं यहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी होती है ठीक है सो इन इन यू विल 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 फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी 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 एंड बी बी नोन नोन एज एज कास्ट क्या बोलेंगे वहां पर जो टोपोग्राफी है उसको क्या बोलोगे कहोगे सर इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी यहां पर चूना पत्थर बहुत ज्यादा अच्छा एक चीज बताओ अगर कोई पूछ ले तुमसे कि चूना पत्थर चूना पत्थर जो है चूना पत्थर तो यार हम जाते हैं मोहल्ले में वहां पर एक जो पहाड़ी पड़ती है उसमें भी थोड़ा बहुत चूना पत्थर है तो क्या वो कास्ट रीजन है क्या वो कास्ट प्रदेश है तो आप आंसर कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है आप ये याद रखिएगा कि यहां पर चूना पत्थर जो है ना सत्तर से अधिक होना चाहिए सेवेंटी से अगर आपका अधिक चूना पत्थर है तो आप क्या बोलेंगे उसको आप बोलेंगे कि ये जो है कास्ट रीजन है जैसे युगोस्लाविया आप मालूम है युगोस्लाविया जो कंट्री है युगोस्लाविया जो रीजन है आपका यूगोस्लाविया वाला है ना वो रीजन अब तो युगोस्लाविया नहीं है पहले जो युगोस्लाविया वाला क्षेत्र जो है बलकान वाला जो रीजन है बलकान वाला रीजन ठीक है बलकान रीजन में आप देखेंगे इस रीजन में आपको बहुत सारे बहुत सारे क्या मिलते हैं बहुत सारे बलकान रीजन में बहुत सारे आपको कास्टोपोग्राफी मिलते हैं ठीक है ये चीज आपको समझनी यहां पर जरूरी है अब यहां पर समझिएगा आप अब यहां समझिएगा कि इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते एक चीज बताओ जरा सोच के दिमाग में अपने सोचो अगर आपका कोई ऐसा रीजन है अगर आपका कोई ऐसा रीजन है यहां पर इमेजिन करिए ठीक है ये हमारा लैंडफॉर्म है ये हमारा लैंडफॉर्म ऐसा मानो ठीक है और इसके ऊपर वाली लेयर में क्या है ऊपर वाली लेयर में तो होगा सॉइल है ना और नीचे वाली जो लेयर है इसमें मानिए आप क्या है लाइमस्टोन मतलब आपका चूना पत्थर है लाइमस्टोन है है ना यहां पर अब क्या होगा कि अगर सपोज यहां पर आपका बारिश होती है अगर यहां पर आपकी बारिश होती है रेनफॉल होता है ठीक है तो रेनफॉल से यहां पर जो सॉइल है जो सॉइल है सॉइल से ये पानी नीचे नीचे क्या होगा ये परकुलेट कर जाएगा ये पानी रिस्क के नीचे आ जाएगा परकुलेशन होगा यहां पर और ये जब पानी नीचे आ जाएगा जब ये पानी नीचे आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है यहां पर आपको क्या मिलेगा लाइमस्टोन मिलेगा लाइमस्टोन ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करेगा ये क्या करेगा लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करेगा और जब ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन कर रहा है याद रखिएगा जब ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या बन जाएगा आप कहेंगे सर यहां पर बन जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर सल्यूशन बन जाएगा घोल बन जाएगा और ये घोल जो है बह के जो भी दरार पाएंगे जो भी छोटी मोटी दरार पाएंगे उससे बह के निकल जाएंगे है ना तो यहां पर क्या होगा कि ये दरारें बना लेंगे बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर ये जो जो ज्वाइंट्स हैं ये ज्वाइंट से बहते हुए निकल जाएंगे ये आपके जॉइंट्स बना लेंगे और ये ज्वाइंट कैसा दिखेगा ये ज्वाइंट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये जो देख रहे हो यहां पर ये आपको इस तरीके से दिखेंगे रेक्टेंगुलर जो आपको ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिनमें आपको क्या है बीच बीच में गहरी गहरी क्या नजर आ रही है ये गहरी गहरी आप कह सकते हैं यहां पर जो इनको यहां पर ये वाला जो रीजन है जो कि हमारा क्या है बेसिकली दिस इज बेसिकली वॉट ये हमारे ज्वाइंट्स है जो कि गहरे हो गए गड्ढे बन गए हैं है ना तो इन ज्वाइंट्स को ये जो गहरे गहरे हमारे गड्ढे बन गए बेटा जिनको ये देख रहे हो जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं बहर गहरे गहरे गड्ढे बन गए राइट ये जो आपके गड्ढे बन गए हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं ग्राइक्स बोल रहे हैं जी आर आई के ई एस ग्राइक्स है ना ये ग्राइक्स कहलाते हैं और जो हमारे ये बड़े बड़े, बड़े आपके क्षेत्र देख रहे हो और इसमें जो रिज नजर आ रहा है रिज ये रिज कहलाता है क्लिंट ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं क्लिंट्स कहलाते हैं ये।, ये तो है, नदियां बह पाएंगी सरफेस के ऊपर क्या नदी बहेगी यार नदी बह ही नहीं पाएगी मतलब सपोज ऐसा हो जाएगा ना कुछ कहानी ऐसी नहीं जाएगी कुछ कांड जो है आपका कुछ कांड ऐसा हो जाएगा इसको हम कह सकते हैं यहां पर सपोज ये हमारा जो है दिस इज आर लैंडफॉम ये कोई आपका पहाड़ी क्षेत्र है जो कि लाइमस्टोन के क्षेत्र से बहुत दूर है है ना और यहां से हम आते हैं और इस प्रकार से आपका अब इधर से जो है लाइमस्टोन वाला रीजन है यहां पर जो आपकी पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं लाइमस्टोन वाली रीजन है है ना अब सोचिए इधर से रिवर आपकी बह के आई यहां से रिवर्स आपकी आ रही बह के ये रिवर्स आ रही है दिस इज ये रिवर है आपकी है ना ये आपकी रिवर है मतलब की ड्रेनेज यहां पर आपको दिख रहा है तो इस रीजन में तो ड्रेनेज दिख रहा है लेकिन जैसे ही आप यहां पर ये लाइमस्टोन वाले रीजन में आएंगे जहां पर आपको लाइमस्टोन नजर आता है तो यहां पर रिवर क्या इसके ऊपर बह पाएंगे नहीं तो रिवर जैसे ही एंटर करेंगी लाइमस्टोन वाले रीजन में जैसे ही यहां लाइमस्टोन वाले रीजन में एंटर करेंगी तो वो इन इनके साथ रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद घोल बन जाएगा और घोल क्या होगा नीचे की तरफ धस जाएगा और यहां पर बन जाएगा गड्ढा यहां पर क्या होगा गड्ढा बन जाएगा यहां पर गड्ढा बन जाएगा ठीक है और ये रिवर्स जो हैं, ये रिवर्स ज्वाइंट से बहते हुए इस तरीके से ये रिवर्स इस तरीके से ज्वाइंट से बहते हुए निकल जाएगी है ना तो मतलब यहां सरफेस पे पेल बी नो ड्रेनेज बी नो ड्रेनेज और वेरी लेस ड्रेनेज मतलब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि कोई नदी बहेगी क्या तो नो यहां पर कोई नदी नहीं बहेगी सारी नदी जो है सारी नदी आप जो देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ से निकल जाएगी ठीक है तो यहां पर आपको ड्रेनेज की प्रॉब्लम आपको दिखेगी और ये जो वैली दिख रहे हो ना ये वैली ये जो जगह देख रहे हो आप इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड वैली इसको हम क्या बोलेंगे ब्लाइंड वैली अंध घाटी इसको बोलेंगे अंध घाटी या ब्लाइंड वैली वाई इसको अंध घाटी या ब्लाइंड वैली क्यों बोलेंगे क्योंकि नदी नीचे से जा रही है नदी यहां से बह रही है तो वैली तो है नदी जिस नदी कहां से बहती वैली से लेकिन हमको क्या दिख रही है वैली नहीं क्योंकि जो सरफेस है वो सरफेस तो आपको दिख रहा है एकदम नॉर्मल और उसके नीचे से नदी चली जा रही है उसके नीचे से नदी चली जा रही है ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको क्या बोलते हैं हम यह बेसिकली क्या होता है नीचे से चली जाती है तो यहां पर यही इसकी सबसे पहली खूबी लिखी हुई है क्या लिखी हुई है कि कास्टोपोग्राफी इज अ ब्लीक सरफेस विद प्रेसिपिटियस स्लोप तो यह हमने देखा कि यहां पर आपके बारिश के पानी की वजह से क्या हो गए गड्ढे बन जाते हैं ढाल बन जाती है प्रेसिपिटिया स्लोप जिसको बोलते हैं हम ठीक है ये ढाल बन जा रही वर्षा के पानी की वजह से और दूसरा हमने यहां पर देखा दूसरा हमने यहां पर क्या देखा कि ये जो रिवर आ रही है रिवर ये नीचे से बहती चली जा रही है इसको हम अंध घाटी ब्लाइंड वैली बोलते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एबसेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज है ना जो हमारा धरातलीय जो अपवाह है वहां पर क्या है यहां पर यहां पर उसका अभाव है यहां पर क्या है अभाव तो ये हमारे स्पेशल फीचर्स थे किसके कास्ट ओपोग्राफी के कुछ अब हम बात करते हैं किसके बारे में अब हम बात करते हैं यहां पर जो लैंडफॉर्म्स है हमारे ठीक है कौन कौन से कास्ट ओपोग्राफी में आपको लैंडफॉर्म्स नजर आते हैं ठीक है तो कास्ट ओपोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो एक लैंडफॉर्म नजर आता है जिसको हम बोलते हैं सोलो होल है ना और इसी के तरीके से होता है सिंक होल तो सोलो होल और सिंक होल में फर्क क्या होता है सिंपल सा फर्क है फर्क बहुत ज्यादा नहीं है आप देखेंगे जैसे अगर कोई लैंड सर्फेस है और उसमें इस तरीके से एक आपका आपका बहुत ज्यादा शैलो डिप्रेशन बन जाए शैलो डिप्रेशन है ना अगर आपका यहां पर शैलो डिप्रेशन बन जाए ये शैलो डिप्रेशन क्यों बन गया क्योंकि यहां पर जो ये लैंडफॉर्म है यहां पर जो ये लैंडफॉर्म है ये लैंडफॉर्म कौन सी है ये लैंडफॉर्म है लाइमस्टोन की ये लैंडफॉर्म है क्या लाइमस्टोन की है ना और लाइमस्टोन की लैंडफॉर्म होने की वजह से लाइमस्टोन की लैंडफॉर्म की होने की वजह से होता क्या है कि इधर देखिए आप इधर देखिए होता यह है कि आप देख रहे हैं यहां पर यहां पर आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका देख रहे हो ये सॉइल वाला रीजन है ये हमारा एक लैंड सरफेस हमने देख लिया ये हमने देख लिया लैंड के नीचे भूमि के नीचे ये बात हो रही है ठीक है यहां पर ये यह ऊपर आपके सॉइल आपको नजर आ रहा है और सॉइल के ऊपर ऐसे आपको ग्रासेस भी नजर आ रही है ठीक है इस तरीके से आपको ग्रासेस भी नजर आ रही है ये हमारा सॉइल वाला रीजन हो गया ठीक है नीचे इस सॉइल के क्या है लाइमस्टोन है इस मृदा के नीचे जो चट्टाने हैं वो क्या है लाइमस्टोन है अब क्या हो रहा है लाइमस्टोन में भाई लाइमस्टोन में बारिश हुई तो सॉइल से पानी कहां पहुंचा लाइमस्टोन अब लाइमस्टोन में पहुंचेगा तो लाइमस्टोन में घोल बनेगा कि नहीं बनेगा लाइन स्टोन में घोल बन जाएगा लाइमस्टोन में जो बनेगा वो क्या बनेगा लाइमस्टोन में यहां पर सल्यूशन बन जाएगा घोल बन जाएगा है ना और घोल बनने से क्या होगा घोल बनने से क्या होगा आप देखेंगे यहां पर घोल जब बन जाएगा तो क्या हो रहा है घोल बनने से यहां देखते हैं गड्ढा बन जाता है गड्ढा अब ये गड्ढा जो बन जाएगा गड्ढे में क्या होगा जो यहां का सॉइल है वो भी तो इस गड्ढे में कोलैप्स कर जाएगा सॉइल भी तो इस गड्ढे में कोलैप्स कर जाएगा और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको क्या दिख जाएगा इस तरीके से आपको एक आकृति नजर आ जाएगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं सिंक होल या सोलो सौ... होल सिंक होल और सोलो होल में फर्क इतना ही है कि जो सोलो होल है जो आपका सोलो होल है ठीक है उसमें आपको केवल और इतना केवल इतना फर्क समझना है कि सोलो होल आपका बहुत ज्यादा डीप नहीं है ठीक है यह बहुत ज्यादा डीप नहीं है ठीक है यह याद रखिएगा कि उथला बहुत ज्यादा गहरा यह गहरा आपका गर्त नहीं है यह आपको याद रखनी है बात कि यह गहरा गर्त नहीं है फिर से मैं बोल रहा हूं यह आपको बात याद रखनी है कि यह गहरा गर्त नहीं है लेकिन सिंक होल में क्या होता है इसी के अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सिंक होल होता है सिंक होल ठीक है सिंक होल होता है जो उसमें क्या होता है उसमें आपका गड्ढा ये जो होता है ये गहरा हो जाता है बहुत ये गहरा हो जाता है गड्ढा ठीक है ये गहरा हो जाता है गड्ढा और यहाँ पर कभी कभी यहां पर कभी कभी क्या होता है कि सिंक होल में आप देखेंगे कि सिंक होल के नीचे इस तरीके से इस तरीके से ऐसे देख लो सिंक होल को हम बना दे रहे हैं आपके सिंक होल आप देखेंगे इस तरीके से तो इस तरीके से आपको सिंह खोल में नीचे बहुत बड़ी आकृति नजर आएगी कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है यहां से आपके यहां से सिंह खोल में पानी भी गिरता है इस तरीके से है ना झरने के रूप में जो बारिश का पानी जैसे बारिश हो रही है अगर बारिश हो रही है तो बारिश का पानी आपका गिरेगा इधर है ना बारिश का पानी यहाँ गिरेगा तो इस तरीके से यहां पर बारिश का पानी इसमें गिरता है है ना और कभी कभी यहां पर पानी जो है इकट्ठा भी हो जाता है और एक पूल सा बन जाता है पूल सा यहां पर एक पूल सा बन जाता है है ना और लोग यहां पर बहुत टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं यहां पर पूल सा बन जाता है टूरिस्ट यहां पर बहुत सारे आते हैं पूल सा बन जाता है यहां लोग जो है नहाते वहाते हैं आके तो ये सिंह खुले इतने गहरे हो सकते हैं सिंक खुल बहुत गहरे हो सकते हैं है ना कभी कदार ये डेंजरस भी हो सकते हैं कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकते हैं तो ये हमारे क्या है सिंह खुलें तो पहला हमने जो देखा पहला हमारा

उनको हम क्या बोलते हैं केव बोलते हैं केव अब यहां से जैसे रिवर आई सपोज ये वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला पोर्शन ये आपका पोर्शन है क्या हार्ड रॉक का दिस इज हार्ड रॉक है ना लेकिन ये वाला जो पोर्शन पोर्शन है है ये वाला जो है, जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं ये वाला ये पोर्शन किसका है ये पोर्शन लाइमस्टोन से बना हुआ ये पोर्शन लाइमस्टोन से बना हुआ ठीक है ये पोर्शन लाइम से बना हुआ है राइट right? अब ये पोर्शन आप देख सकते हैं ये पोर्शन नॉर्मल आपकी यहां से रिवर बह रही है ये नॉर्मल आपका क्या है यहां से नॉर्मल आपकी रिवर बह रही है नदी बहते हुए आई और जैसे मैंने बताया नदी बहते हुए आई और जैसे ही लाइमस्टोन वाले रीजन में पहुंची ये ये रिवर रिवर क्या हो जाएगी ये अंदर की तरफ ये अंदर की तरफ ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी है ना और अंदर की तरफ आ जाएगी तो ये अंदर की तरफ बहने की कोशिश करेगी और जब अंदर की तरफ बहने की कोशिश करेगी तो ऐसी एक गुफा भी बना देगी है ना ऐसी क्या बना देगी गुफा भी बना देगी तो यहां पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये क्या दिख रही है हमको एक गुफा भी बन जा रही है है ना ये देखिए यहां पर हम लोग ने यहां बनाया था अभी ये देख रहे हैं आप ये एक केव सा बना देगी ये देख रहे हैं आप यहां पर ये क्या बना रही है ये गुफा सी बना लेती है अपने मार्ग में ये अपने मार्ग में इस तरीके से एक गुफा बना लेती है है ना ये गुफा सी बन जाती है इनफैक्ट आपको मैं बताऊं इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि ये जो गुफा देख रहे हो ना ये पानी जो देख रहे हो पानी ये पानी हार्ड रॉक के नीचे तो परक्यूलेट करेगा नहीं सबसे नीचे क्या है हार्ड रॉक है ना ऊपर क्या है लाइमस्टोन तो जहां जहां लाइमस्टोन है वहां वहां पर ये घोल बना लेगा सल्यूशन तो ये बेसिकली जो देख रहे हो ये मैं एरो जो बना रहा हूं ये क्या है सोल्यूशन है है ना कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है कौन सा सोल्यूशन है? का है ये कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है ये घोल बन के चला जाएगा फिर इसके बाद यहां गैप हो जाएगा फिर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर गड्ढा बन जाएगा और नीचे हार्ड सर्फेस है और अब नदी जो है नदी इसके नीचे से बहते हुए जा रही है अब नदी जो है इसके नीचे से बहते हुए जा रही ब्लाइंड वैली है और ये नदी कहां निकलेगी ये नदी वहां निकलेगी जहां पर आपका लाइमस्टोन खत्म हो जाएगा तो ये नदी आपको कैसे दिख सकती है झरने के रूप में भी दिख नि, निकल सकती है है ना इसको बोलते हैं रिसर्जेंस ये आपको झरने के रूप में भी निकल जाएगी है ना लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहां से नदियां निकलना बंद हो जाती है नदियां निकलना बंद हो बंद हो जाती है है ना नदी का सोर्स चेंज हो जाता है मार्ग चेंज हो जाता है और यहां पर केवल गुफा बनी रहती है आपकी यहां पर क्या बनी रहती है यहां पर आपका केवल केव बच जाता है है ना और केव आपका जो है वो कुछ इस किस्म से दिखता है केव जो है वो आपका कुछ इस किस्म से केव नजर आता है ठीक है दिस इज केव ये केव नजर आता है अब केव में अगर हम लोग देखें केव में तो केव में क्या होता है आपने देखा होगा केव में आप लोगों ने इमेजिन करा होगा कि आप लोग देखा होगा बहुत व्हाइट व्हाइट सा येलो येलो सा क्या होता है येलो ऑरेंजिश टाइप की लंबी लंबी ऐसी स्पाइक्स नजर आती है आपको ऐसी क्या नजर आती है स्पाइक्स नजर आती है ऐसी लंबी लंबी ऐसी लंबी लंबी स्पाइक्स नजर आती है हमें जो कि लटक रही है जो कि लटक रही है अब ये स्पाइक्स बनी कैसे ये स्पाइक्स बनी कैसे ठीक है तो ये स्पाइक्स बनी ऐसे इनको समझो ये स्पाइक्स बनी कैसे इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो ये स्पाइक आपका जो है फॉर्म कैसे होती है तो सपोज ये आपका केव है दिस इज द दि केव ठीक है ये हमारा केव है अब यहां पर क्या है यहां पर तो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं थोड़े बहुत घास वास लगी हुई है इस तरीके से है ना यहां पर आपकी घास वास लगी हुई है राइट और हो क्या रहा है यहां पर हो क्या रहा है कि बारिश का पानी जब आता है जब बारिश का पानी आता है बारिश का पानी आता है इस तरीके से तो बारिश का पानी ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर से आपका क्या होगा रिस्क के आएगा इसके अंदर से यहां परक्यूलेट कर जाएगा राइट परक्यूलेट करेगा और जब ये परक्यूलेट करेगा तो ये पूरा क्या है दिस इज लाइम स्टोन ये हमारा क्या है लाइम स्टोन है एंड दिस इज वॉट हार्ड रॉक्स ये नीचे हार्ड रॉक्स है तो हार्ड रॉक से नीचे परक्यूलेन नहीं होगा हार्ड रॉक मतलब है कि यहां पर ये यह जो है यहां पर नीचे कोई भी चीज पानी की नहीं जाएगी लेकिन यहां तो पानी की जाएगी नीचे और पानी कैसे आपका होगा ये चूना पत्थर वाला पानी है ये लाइमस्टोन वाला सोल्यूशन है और लाइमस्टोन वाला सोल्यूशन जो है वो यहां से गिरेगा है ना और नीचे गिरेगा कहां गिरेगा यहां नीचे राइट right? ये नीचे गिरता रहेगा और नीचे गिरता रहेगा तो ये इस प्रकार से फैल जाएगा नीचे गिरता रहेगा तो ये धीरे धीरे करके हर जगह से गिरते गिरते ये इस प्रकार से फैल जाएगा ठीक है लेकिन एक टाइम पे बारिश रुक जाएगी और जो आखिरी बूंदे होंगी आपकी जो आखिरी बूंदे आपकी इस प्रकार से गिरेंगी है ना कुछ लास्ट बूंद जो आपकी बारिश आपकी रुक गई और फिर गिरेंगी तो यहां पर क्या होगा यहां पर ये यह अक्यूमलेट होने लगेंगी ये एक्यूमलेट होने लगेंगी ये नीचे जब गिर रही हैं तो यहां से जब ये गिरेंगी तो यहां ये यह एक्यूमलेट होने लगेंगी और समय के साथ रहते रहते समय के साथ रहते रहते ये इस प्रकार से एक्यूमलेट होते होते सालों साल में सालों साल में इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये कुछ आकृति कुछ इस तरीके से आपको आकृति नजर आ जाएगी ऐसे है ना ये जो आपका ये जो धीरे धीरे करके डेपोजिशन की वजह से इकट्ठा होते होते बन गया इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट इस इसको हम क्या बोलते हैं स्टेलेगमाइट बोलते हैं याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं स्टेलेगमाइट बोलते हैं ठीक है और यहां पर भी तो आपकी जो बूंदे हैं वो आखिरी में गाढ़ी बूंदे होंगी सोचो पानी जैसी एकदम तो होंगी नहीं गाढ़ी बूंदे होंगी और बूंद निकलना बंद हो गई तो ये इस प्रकार से आपकी बूंद जब नहीं गिर पाती है तो इस प्रकार से देखते हो लटक जाती है बूंदे तो ये बूंदे ऐसी लटक जाएंगी है ना ये इस प्रकार से बूंदे जब होंगे बारिश रुक गई होगी तो ऐसी बूंदे लटक जाती होंगी ये इस प्रकार से बूंदे लटक जाती होंगी राइट फिर से आपका दूसरा सीजन बारिश होगी जब बारिश होगी तो ये बूंदे अब जो है इस बार आपकी इसके साइड से बहेंगी और ये और थोड़ी सी क्या होंगी इस बार आखिरी में इसका फॉर्मेशन और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और करते 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 समय के साथ करते करते ये आपको कुछ इस प्रकार से नुकीली बहुत नजर आने लगेंगी है ना ये आपको लंबी लंबी नुकीली नुकीली आपको इस प्रकार से ये स्पाइक्स नजर आने लगेंगी तो ये जो नुकीली आपको नजर आ रही है स्पाइक्स इनको हम बोलते हैं स्टेलेग टाइट इसको क्या बोलते हैं स्टेलेग टाइट बोलते हैं ठीक है याद रखिएगा इस्टेलेग टाइट अब इसको याद करने की जरूरत कैसे है कि स्टेलिकटाइट कौन सा है स्टेलेगमाइट कौन सा है तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं देखो जी से होता है मतलब ग्राउंड जी से मतलब क्या होता है ग्राउंड तो स्टेलेगमाइट कहां बनेगा ग्राउंड में बनेगा ऐसे याद कर लो और दूसरा स्टेलिकटाइट हो गया वो ऊपर बन रहा है ठीक है अब कभी कभी क्या होता है कभी भी क्या होता है कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो फॉर्मेशन है ना धीरे धीरे ये फॉर्मेशन इतनी हो जाती है ये फॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे वाला और ऊपर वाला इस प्रकार से क्या होते हैं मिल जाते हैं इस प्रकार से मिल जाते हैं और एक बन जाता है क्या पिलर तो इसको हम क्या बोलते हैं पिलर बोलते हैं ये सारा का सारा जो हो रहा है कहानी ये सारी की सारी कहानी कहां पर हो रही है ये सारी की सारी कहानी लाइमस्टोन रीजन पे हो रही है ये सारी की सारी कहानी गुफा जो है ये लाइमस्टोन में गुफाओं में मिल रहा है ना तो यहां पर आप घूमने जाते हैं अब यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर अब टूरिज्म बढ़ चुका है है ना बहुत सारा टूरिज्म बढ़ चुका है तो अलग अलग जगह पे आपको ये लाइमस्टोन मिलता है ये लाइमस्टोन आपको न्यू मैक्सिको में मिल रहा है केव ये मैमथ आपको केव मिल रहा है ये आपको केव जो है ये केव आपको मलेशिया में मिल रहा है कोल्यालामपुर में अलग अलग जगह पे आपको ये केव्स मिलेंगे अलग अलग जगह पे केव्स मिलेंगे युगोस्लाविया में ये केव मिल रहा है आपको राइट तो इनको हम क्या बोलते हैं ये हमारे कहलाते हैं केव या गुफा जिसको हम बोलते हैं वो कहलाते हैं तो ये बेसिकली क्या है

अब आपने क्या देखा यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपके केव्स बनते चले गए यहां पर क्या हुआ यहां पर इस तरीके से केव्स बनते चले गए इस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे नीचे यहां पर केव बन गए है ना ये जो बीच वाला जगह है ये बीच वाला जगह क्या हो गया केव बन गया आपका इस तरीके से अब कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ऐसे आपने केव बनाए ये बीच वाला जो पोर्शन है क्या होगा ये बीच वाला जो पोर्सन कोलैप्स कर सकता है ये बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कोलैप्स कर जाएगा गिर जाएगा. है ना और ये गिर जाएगा, अगर तो गौरज बन गया है ऐसा लगेगा क्या बन गया है गौरज बन गया है जिसके बगल बगल में बगल बगल में दो खड़ी पहाड़ियां हैं लाइमस्टोन की ऐसा गौरज बन जाता है ना और है ऐसे बहुत सारे गौरज इंग्लैंड में है ऐसे गौरज इंग्लैंड में गॉर्ज है हमारा चेडार गॉर्ज जैसे इंग्लैंड में अगर आप जाओगे तो इंग्लैंड में एक गॉर्ज है चेडार गॉर्ज कहलाता है है ना ये गॉर्ज बेसिकली नदियों ने नहीं बनाया है लाइमस्टोन गॉर्ज है ये लाइमस्टोन गॉर्ज है और यहां से रोड्स जा रही हैं यहां से रोड्स निकल रही हैं है ना यहां से अब रोडें बन गई हैं सड़कें बन गई हैं लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसके ऊपर कभी लैंडफॉर्म हुआ करता था लाइमस्टोन का जो कि डह गया जो कि क्या हुआ कोलैप्स कर गया बेसिकली राइट तो ये क्या है आपका चेडार गॉर्ज है ये चेडार गॉर्ज कहलाता है ठीक है अब आप समझिए अब आप समझिए क्या आप लिख रहे हैं हाँ ये देखिए केव अलग अलग जगह पे मिलते हैं केव अलग अलग है अब मेघालय में भी मिलते हैं लेकिन मेघालय के केव जो आप बता रहे हैं वो बहुत बड़े नहीं है बड़े केव जो ज्यादा मिल रहे हैं ना जैसे मैंने लाइमस्टोन वाले केव बताए वो आपको मैमथ केव हो गए मलेशिया में है ना आपके हो गए केव्स मैमथ केव हो गए फिर मलेशिया में बाटू केव्स हो गए फिर आपके यू नो युगोस्लाविया केव्स हो गए तो ये सारे आपके फेमस केव्स हैं। बाकी आपको मेघालय के आपको ये जो है उत्तराखंड में भी मिलते हैं है ना अल्मोड़ा वाले रीजन में भी में मिलते ठीक तो है अब, अब हमने क्या देख लिया सिंखोल अब सिंखोल की तरह सिंघोल की तरह एक और लैंडफॉर्म होता है जैसे सपोज आप सपोज इस प्रकार से you know, आपका लैंडफॉर्म है दिस इज योर लैंडफॉर्म अब हम लोग अगर कोई लैंडफॉर्म देखें लैंडफॉर्म तो ऐसे सोचिए पहाड़ियों से पानी आ रहा है पहाड़ियों से पानी आया ये पानी आया और यहां पर जो है यहां पर हमारा चालू हो जाता है इधर से इधर से हमारा चालू हो जाता है क्या कास्ट टोपोग्राफी यहां से हमारा चालू हो जाता है कास्ट लैंडफॉर्म मतलब लाइम मिलना चालू हो जाता है ये जो लैंडफॉर्म आप देख रहे हैं ये जो आप लैंडफॉर्म देख रहे हैं ठीक है ये लैंडफॉर्म्स कैसे हैं ये लैंडफॉर्म्स हमारे जो हैं ये हमारे लैंडफॉर्म जो आप देख रहे हैं ये लैंडफॉर्म बेसिकली क्या है ये लैंडफॉर्म्स आपके लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स है ठीक है तो ये लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स है ये जो है चूना पत्थर से बने हुए हैं लाइम स्टोन ठीक है अब यहां से नदियां उतरी यहां से नदियां उतरी यहां से रिवर्स उतर रही हैं ढालों से है ना और ये लैंडफॉर्म्स में एंटर करती है यह लैंडफॉर्म में एंटर करती हैं अब जब लैंडफॉर्म एंटर करती हैं तो यहां पर क्या होता है कभी कभी ऐसे लैंडफॉम्स में एंटर करी और यहां पर इन्होंने छोटे छोटे इस प्रकार के क्या बना दिए इस प्रकार के सिंक होल्स बना दिए है ना या इन्होंने सोलो होल्स बना दिए इस तरीके से गड्ढे वाले तो इनको हम क्या बोलते हैं इनको इनको हम हम बोलते बोलते हैं सिंक होल हैं सिंक होल्स ये हमारे कहलाते हैं सिंक होल्स जिनको हमने देख लिया कैसे बनते हैं है ना ये इसके नीचे ये नीचे बन गए होल्स अब कभी कभी क्या होता है कई सारे अगर सोचो कई सारे सिंह आपस में मिल जाए कई सारे सिंखोल्स आपस में मिल जाए तो क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से थोड़ा बड़ा आप कह सकते uh -huh, हो इस तरीके से आपको यहां पर लैंडफॉर्म दिखने लगते हैं जिनका गड्ढा थोड़ा सा बड़ा होता है जिनमें गड्ढा थोड़ा सा क्या होता है बड़ा होता है लैंडफॉर्म दिखने लगते हैं राइट यहां पर आपको लैंडफॉर्म दिख जाते हैं इस प्रकार से ये जो बड़े हैं गड्ढे आपको जो बड़ा लैंडफॉर्म आपको दिख रहा है गड्ढे वाला इसको हम बोलते हैं क्या डोलाइन इसको हम क्या बोलते हैं डोलाइन बोलते हैं डोलाइन ठीक है ये कई सारे जब लिंक आपके सिंखोल्स मिल जाते हैं कई सारे आपके सिंखो मिल जाते हैं तो इनको हम क्या हैं? बोलते हैं डोलाइन बोलते हैं डोलाइन है ना अब सोचो इमेजिन करो कि अगर बहुत सारे आपके डोलाइन भी मिल जाए अगर बहुत सारे आपके डोलाइन मिल जाए तो एक बड़ा इस प्रकार से बड़ा गड्ढा बन जाएगा और गड्ढा और बड़ा बन जाएगा कई सारे अगर डोलाइन भी मिल जाए है ना तो गढ़ा आपका ऐसे इस प्रकार से बड़ा गड्ढा देख सकते हो आप बन जाएगा राइट इस प्रकार से आप देखेंगे तो गड्ढा आपका क्या हो जाएगा? बड़ा गड्ढा बनेगा आपका बड़ा गड्ढा इस तरीके से नजर आएगा युवाला इनको हम क्या बोलते हैं युवाला बोलते हैं और कभी कभी क्या होता है कभी 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 ऐसा होता है कि ये जो देख रहे हो तुम कभी कभी होता यह है कि बहुत ज्यादा गढ़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं है ना इस प्रकार से जब बहुत सारे युवाला आपस में मिल जाते हैं जब बहुत सारे युवाला भी जो हैं, वो आपस में मिल जा रहे हैं ठीक है जब इस प्रकार से कई सारे युवाला आपस में मिल जा रहे हैं ठीक है तो क्या बन रहा है तो इस तरीके से आप देखेंगे है ना तो इस तरीके से क्या बन जा रहेगा यहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और इस गड्ढे को ये जो बड़ा सा गर्त बन गया बड़ा सा गड्ढा बन गया ये गड्ढा बहुत बड़ा सा बन गया ये गड्ढा कैसे बन गया बहुत बड़ा इसको हम बोल क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे दिस विल बी नोन एज पोलजे ये इतने बड़े होते हैं फुटबॉल ग्राउंड है ना वो भी छोटा है फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े हो जाते हैं और यहां लोग रह रहे हैं लोग रह रहे हैं और अगल बगल की जो चट्टाने हैं वो आपको पहाड़ जैसी दिख रही है इसके नीचे वैली सी बन गई ना वैली सी जब ये गड्ढा बन गया तो नीचे वैली बन गई लोग यहां रह रहे हैं अभी वो हार्ड रॉक तक पहुंच गया वैली बन गई तो ये जो गड्ढे बन रहे हैं ये ये जो बड़े बड़े महाखड्ड बन जाता है कोलैप्स करने की वजह से और बेसिकली हो गया है यहां पर यहां पर ये लाइमस्टोन है तो जब इसमें सर जब इसमें बारिश का जब इसमें नदियां बहती हुए आती हैं या बारिश का पानी बनता है तो ये बहुत डीप बन जाते हैं ये बहुत डीप बन जाते हैं ठीक है ये चीज याद रखिएगा और इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पोलिजे इसको हम क्या बोलते हैं इसको पोलिजे बोलते हैं क्या बात समझ में आ रही है आपके थैंक यू पापा की परी की आपको आर्ट अच्छी लगी आर्ट नहीं है ये फिगर्स हैं जो आपको बनाने होंगे अगर आपको यूपीएससी में क्रैक करना है तो तो अगर आपसे बोला जाए कि डोलाइन क्या है अगर आपसे बोला जाए डोलाइन क्या है तो आप बोलेंगे कोलेसेंस ऑफ सिंह मतलब कि मेनी सिंघोल्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म डोलाइन है ना मेनी सिंघोल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डोलाइन ना वॉट इज यूवाला तो मेनी ये युवाला है मेनी या सेवरल डोलाइंस सेवरल डोलाइंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म युवाला और व्हाट इज पोलेजे तो सेवरल सेवरल युवाला कंबाइंस टू फॉर्म पोलेजे तो पोलेजे आपका सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा लैंडफॉर्म है पोलेजे जो है आप देख रहे हैं ये ये सबसे बड़ा आपका ये लैंडफॉर्म है है ना और ये कहां मिलता है तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो आपका है बलकान रीजन जो बलकान रीजन है बलकान रीजन कौन सा रीजन है जो ग्रीस के आसपास का रीजन है ओल्ड युगोस्लाविया पुराना युगोसलाविया वाला जो रीजन है जो पुराना युगोसलाविया वाला रीजन है वहां पर आपको ये बहुत मिलता है इसके अलावा कहां मिलता है तो इसके अलावा आपको मैंने बताया मलेशिया हो गया है ना कैनेडा में भी कुछ जगह है यूएसए में न्यू मैक्सिको एक जगह है आपकी वहां पर मिल रहा है ये राइट यूकाटन यूकाटन रीजन एक आपका है वहां पर मिल रहा है आपको जो मैक्सिको का रीजन है ठीक है तो ये जो क्षेत्र हैं आपके ये कहलाते हैं क्या ये कहलाते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी ये क्या कहलाते हैं बेटा कार्स्ट टोपोग्राफी ठीक है और ऐसे प्लेन्स को ऐसे मैदान को हम क्या बोलते हैं कार्स्ट मैदान बोलते हैं ऐसे मैदान को हम क्या बोलते हैं कारस्ट मैदान बोलते हैं ये जो गड्ढे बने हैं ये गड्ढे क्यों बने हैं ये गड्ढे याद रखिएगा क्योंकि ये लाइमस्टोन है तो पानी जब इसमें पड़ता है तो पानी पड़ने की वजह से ये घोल बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के घोल बन जाते हैं जो मैंने शुरुआत में बताया था ठीक है तो ये आपका लैंडफॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मैंने सारे लैंडफॉर्म्स आपको बता दिए जो आज के चैप्टर में अब एक चीज आखिरी बता दू आपको मैं आखिरी बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है अगर आपसे कोई पूछता है कि जो चौक है हमारा चौक है ना आ, चौक लैंडफॉर्म्स कहां पर है तो चौक लैंडफॉर्म्स बेसिकली कई जगह पे हैं जैसे कि इंग्लैंड में इंग्लैंड में इस तरीके से रोलिंग रोलिंग हिल्स हैं आपके इंग्लैंड में चौक से बने कुछ इस प्रकार से रोलिंग हिल्स हैं यू नो रोलिंग हिल्स मतलब कि ऊपर नीचे आपके ऐसे छोटे छोटे हिल्स हैं इनको इंग्लैंड में हम क्या बोलते हैं डाउन बोलते हैं डाउन्स इंग्लैंड में इन्हें हम क्या बोलते हैं डाउन्स बोलते हैं ये इंग्लैंड में आपको देखने को मिल रहा है ठीक है ये इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चौक होता है चौक ये चौक बहुत ड्राई लैंड फॉर्म है आप बोलेंगे ड्राई लैंड फॉर्म मतलब यहां पर आपको पानी वानी रिवर्स रिवर्स यहां बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगी ठीक है रिवर्स नहीं मिलेगी सर आप मैपिंग जोग्री हमें कब पढ़ाएंगे मैपिंग जोग्रफी मेरी हिंदी मीडियम में तो अभी चल रही है जो आपका यूपीएससी वाला हिंदी है इंग्लिश में इट विल कम वेरी सून है ना जब भी आएगी तो यू विल कम टू नो राइट तो आप उसको देख सकते हैं आप वहां पर पढ़ सकते हैं हाँ आई ऑब्वियसली यू नो आई एम गोइंग टू टेक आप जैसा जैसा आप लोग बोलेंगे आई नो वी वी विल वर्क ऑन दैट दिस तो हम लोग इसमें वर्क करेंगे हम लोग इंडियन जोग्रफी में लेंगे तो उसके लिए परेशान ना हो जीसी लियोंग को आप लोग कवर करें जीसी लियोंग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एक चीज समझिएगा जो आपके जो आपके ड्राई लैंड लैंडफॉर्म होते हैं ना ड्राई लैंड लैंडफॉर्म जहां पर आप देखेंगे कि आपको नदियां भी नहीं मिलती हैं उनको हम बोलते हैं कुंबेस क्या बोलते हैं उनको हम उनको हम बोलते हैं कुंबेस तो कुंबेस जो है ये आपका एक लैंडफॉर्म है कुंबेस इज अ लैंडफॉर्म जो चौक से बना होता है अब आप एक चीज बताइए अगर आपसे कोई पूछे अगर कोई आपसे पूछे कि चौक जहां पर है क्या वहां पर केव बन सकता है चौक लैंडफॉर्म में केव बन सकता है नहीं बन सकता है सोचो ना अगर ऐसा कोई लैंडफॉर्म है अगर यहाँ पर केव बना भी अगर थोड़े दिन के लिए सोचो बन भी गया तो यार चौक जो है चौक ये चौक पूरा क्या होगा ये पूरा कोलैप्स कर जाएगा पूरा नीचे गिर जाएगा क्योंकि चौक क्या होता है फ्राइबल नेचर का होता है चौक क्या होता है चौक इज फ्राइबल नेचर फ्राइबल नेचर का होता है फ्राइबल होता है फ्राइबल मतलब होता है जो क्या हो जाए टूट फूट जाए तुरंत तोड़ मरोड़ जिसमें हो जाए टूट जाए चौक को देखा है कितना क्रिस्प होता है है ना चौक कैसा है अगर आप चौक को आप लोग को स्कूल में याद होगा चौक आपने यूज करिए चौक को तोड़ो तो कैसे टूट जाता है है ना तो याद रखिएगा केव यहां नहीं बन सकता है इस लैंडफॉर्म में केव नहीं बनेगा हाँ आपको ऐसे लैंडफॉर्म्स दिख जाएंगे ड्राई लैंडफॉर्म्स होंगे यहां बारिश वारिश ज्यादा नहीं होगी ठीक है हाँ तो आपका जो जो आप बोल रहे हैं अमित बागड़ा अमित बागड़ा, अमित बागड़ा आपको जो मैंने आपको जो आपकी लैंडफॉर्म्स रनिंग वाला है उसकी अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है वो वीडियो रनिंग वाले की अपलोड होगी तो आपको उसका मिल भी जाएगा ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को उसकी रिकॉर्डिंग कर दूं तो मंडे को आपको वो मिल जाएगा ठीक है तो डोंट वरी अबाउट दिस तो आज के लिए दोस्तों यार यही इतना ही है आज हमारा छोटा टॉपिक था बहुत बढ़िया टॉपिक था कास्ट टोपोग्राफी जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग की मेरे से रिक्वेस्ट है कि जो नोट्स है यहाँ पर आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर नोट्स आपको सारे मिलेंगे है ना इसमें हिंदी इंग्लिश में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी मैंने पढ़ाया है ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी तो परेशान मत होइएगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा सब कुछ मैंने इसमें जो पढ़ाया है कवर कर दिया है ठीक है ये स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट केव्स ये सारी चीजें मैंने जो है कवर कर दी है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी ए टू जेड मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ योर नोट्स ठीक है तो ये नोट्स आपको आज एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे अब आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की वहां पर हिंग्लिश बैच हमारा जीसी सी का आया है ठीक है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों कल मिलते हैं फिर और नए टॉपिक के साथ थैंक यू टेक केयर बाय बाय